हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। करंट अफेयर्स की एक और क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पटवारी एग्जाम अब नजदीक है और पटवारी के लिए स्पेशल मैं करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। अबकारी का पेपर हम लोगों ने देखा और उसका एनालिसिस बेस पे कुछ ऐसे तथ्य लेके आया हूँ जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप करंट अफेयर्स जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, पर ये वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाएं, आपको आपकी एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। आइए तो डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ के कुछ बहुत शानदार फैक्ट हैं जो आपको याद रखना होंगे। देखिएगा दोस्तों, दिव्य कला मेला, क्वेश्चन पूछा जाए दिव्य कला मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में दिव्य कला मेला आयोजन किया जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है, विजय हजारे जो ट्रॉफी है उसके जो विजेता है वो टीम है, वो है सौराष्ट्र टीम। ठीक है, तो ये भी याद रखना, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है, सौराष्ट्र टीम जो है वो विजेता हुई विजय हजारे ट्रॉफी। हिंसा के जोखिम वाले राष्ट्रों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो पाकिस्तान भैया, यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंसा होती है तो ये पहले नंबर पर है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, चुनाव आयोग ने किस राज्य में एकल मतदाता के लिए मतदान केंद्र खोला, गुजरात में। मतलब जब चुनाव हो रहे थे तो उस गांव में एक ही आदमी था वोटर, फिर भी मतदान केंद्र खोलना पड़ा। कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2022 किसने जीता, ये शेखर पाठक ने जीता। शेखर पाठक जी ने कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार 2022 जीता, याद रखिएगा। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने, वो बने ऋतुराज गावड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं, एक ओवर में 7 छक्के, बोले सर इट इज पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल है, 9 बॉल हो गई होगी, तो एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। विकलांग व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता, तो 3 दिसंबर। तो आपको याद रखना है 3 दिसंबर के दिन विकलांग व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सैन फ्रांसिस्को में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में पद्म भूषण पुरस्कार से किसे नवाजा गया, सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जिसमें पहली बार व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वेक्षण किया गया, पक्षी सर्वेक्षण किया गया है वो है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ेंगे, तांत्या भील बलिदान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, तांत्या भील बलिदान दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। पातालपानी का नाम, पातालपानी स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया, और भबरकुआ जो इंदौर में चौराहा है उसका नाम भी तांत्या भील रख दिया गया, तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, उनका बलिदान दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। भारत उदयपुर में G20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, अमिताभ कांत करेंगे, अमिताभ कांत जो है वो G20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। किस संगठन ने विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य समानता का वैश्विक रिपोर्ट जारी करी, WHO, WHO ने विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य समानता पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। किस संस्थान ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रॉन 840 SQN का निर्माण किया, वो किया HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, याद रखिए। कौन से देश ने संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी लॉन्च किया, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों, याद रखना है आप लोगों। चलिए इसके बाद ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम, ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा, हरियाणा है। न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई है। असम में ग्रेट यूनिफायर के रूप में किसे जाना जाता है, सोनम सुक्फा को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि असम में ग्रेट यूनिफायर के रूप में किसे जाना जाता है, सोलुंग सुक्फा को जाना जाता है। इसके बाद बात करें अगला तथ्य, देखिएगा तटीय रेड सैंड ड्यून्स या एरामेटी डिवालू कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में है, आपको याद रखना है। अगर तटीय रेड सैंड ड्यून्स या एरामेटी डिवालू पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर के दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला अंडर 17 में
सटलर कौन बने? ये बने उनकत हुड्डा। उनकत हुड्डा जो है वो एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले सटलर बन गए हैं अंडर 17 में। उनकत हुड्डा। तटीय रेड सैंड ड्यून्स या एरा किस संस्थान ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? वो करा है IISC ने, IISC जो बेंगलोर में है उसने। नॉइस स्मार्ट वॉच के लिए, नॉइस स्मार्ट वॉच के लिए सोर का नया ब्रांड, ठीक है, स्मार्ट वॉच होती है नॉइस स्मार्ट वॉच के लिए, सोर का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? विराट कोहली बने, ये भी याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। HIV संक्रमण की दर में गिरावट का प्रतिशत कितना है? ये है 46% तक भैया गिरावट आई है, तो ये याद रखिएगा आप। मध्य प्रदेश में किस जिले ने हाल ही में नो थूथू अभियान शुरू किया? इंदौर में किया, सबसे स्वच्छ नगरी है भैया इंदौर सिटी है। किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में मंदिर के अंदर मोबाइल फोन उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर के अंदर फोन प्रतिबंध लगा दिया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर के दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बेस्ट बैंक टेरिटरी का दावा किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? इजराइल और फिलिस्तीन, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट बैंक टेरिटरी का दावा किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? इजराइल और फिलिस्तीन। हाल ही में ड्रग्स के परिवहन के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहां स्थापित किया गया? मेघालय में। मेघालय में ड्रोन से ड्रग्स पहुंचाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, दवाइयां। भारत का पहला गोल्ड ATM किस स्थान पर लॉन्च किया गया? हैदराबाद। तो भारत का पहला गोल्ड ATM कहां पे लॉन्च किया गया? हैदराबाद में, याद रखिएगा। कौन सा देश 100 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश का पहला देश बन गया है? भारत। भारत 100 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है दुनिया में। हाल ही में किस राज्य में BSF स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया गया? पंजाब में, पंजाब में किया गया, याद रखना है आपको। विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्र के लिए विकास अनुमान प्रतिशत कितना है? 6.9% है भाई। विश्व बैंक कहती है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विकास अनुमान कितना है? 6.9%। आगे बढ़ेंगे। किस मेट्रो ने 3.14 किलोमीटर लंबे डबल डेकर वाइकट्स मेट्रो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता? वो नागपुर, नागपुर मेट्रो ने, ध्यान रखिएगा, 3.14 किलोमीटर लंबे डबल डेकर वाइडक्ट मेट्रो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नागपुर मेट्रो ने। किस देश से सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाने वाले 12 चीते प्राप्त करने का निर्णय लिया? दक्षिण अफ्रीका से अब हमने लाएंगे हम लोग 12 चीते, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? वो है RBI के गवर्नर। मौद्रिक नीति की समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो RBI के गवर्नर ही होते हैं। हाल ही में किन देशों ने संयुक्त रूप से संगम अभ्यास चलाया? ये चलाया भारत और US ने संगम अभियान चलाया। किस IIT के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया? ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर किसने विकसित किया? ये IIT मद्रास ने किया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ई संजीवनी क्या है टेली मेडिसिन है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष ओम बिरला। ड्रोन यात्रा 2.0 को किस स्थान पर लॉन्च किया गया? चेन्नई। ड्रोन यात्रा 2.0 को किस स्थान पर लॉन्च किया गया? चेन्नई। भाई प्रत्येक क्वेश्चन को समझाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, समय के अभाव में मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इन क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ठीक है। इन क्वेश्चन डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही है, इनके 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से ये आंसर है, आपको ऐसा तरीके से याद करना है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं समझाऊंगा तो कम से कम 10 या 20-25 क्वेश्चन हो पाएंगे, पर इस तरीके से जब मैं आपको बता दूंगा तो करीब करीब हम लोग 100 प्रश्न करने वाले हैं। और ये 100 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक बार सुनो और दिमाग में उतरने दो। मुझे उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें याद होंगी, एक बार वीडियो को वापस से डबल स्पीड पर देख लोगे तो ये फटाफट चीज़ें आपको समझने आने लगेंगी, ठीक है। ये PDF भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से इसको आप एक बार पढ़ लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं अबकारी में और कैसे क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं, तो ये उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देखिएगा,
छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? नागपुर में। छठी वंदे ट्रेन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? नागपुर। महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। आई गैस रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आई गैस जो रोग होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या थी? मिट्टी जहां भोजन की शुरू होता है, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है वो विश्व मृदा दिवस की थीम थी। कौन सा देश पेरिस क्लब का सदस्य नहीं है? भारत। भारत जो है वो पेरिस क्लब का सदस्य नहीं है, याद रखना है। रेडियो विज्ञान के जनक के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया? जगदीश चंद्र बोस को नॉमिनेट किया गया रेडियो विज्ञान के जनक के तौर पर। पद्मा, पद्मा क्या है जिसे हाल ही में एक स्वनियामक निकाय के रूप में अनुमोदित किया गया है? ये मीडिया संघ है जिसका नाम है पद्मा। योगिंदर के अलग कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? अर्थशास्त्री थे योगिंदर के अलग। हाल ही में फोर्स एशिया के नायकों में परोपकार सूची में किसका नाम चुना गया है? गौतम अदानी का नाम चुना गया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग कहाँ पे पड़ता है? नीदरलैंड, नीदरलैंड में पड़ता है, याद रखिएगा। युआन वॉन्ग फाइव किस देश का सर्वेक्षण पोत है? चीन का। युआन वॉन्ग फाइव जो है किस देश का है? चीन का है। दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में समाचारों में रहा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जीवास राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर? डिंडोरी में है, गोगबा राष्ट्रीय उद्यान भी जाना जाता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर? बल्लभगढ़, याद रखिएगा। सरकार द्वारा ONGC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है अरुण कुमार सिंह को, अरुण कुमार सिंह को ONGC का अध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा। हाल ही में किस संस्थान ने ग्लोबल स्टेज ऑफ ब्लैक स्माइल ब्लैक साइल्स रिपोर्ट प्रकाशित की? FAO ने। महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऋषिकेश कानिटकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋषिकेश कानिटकर जो है बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, और पर ये ज़्यादा सचिन जैसे फेमस ना हो पाए, पर उस समय इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बढ़िया शानदार मैच खेला था, हमें विजय दिलाई थी। तो ऋषिकेश कानिटकर जो है ये महाराष्ट्र में पैदा हुए, तो याद रखिएगा ये कौन है, महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में इन्हें चुना गया है। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल स्थिर भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये किया गया पेरिस में। कहाँ किया? पेरिस में। विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन किस जगह किया गया? फिजी में किया गया। हाल ही में किस देश में गाइडेंस पेट्रोल या मोटरलिटी पुलिस की को समाप्त कर दिया? ईरान में। ये बहुत पूछा जाता है मोरेलिटी पुलिस के बारे में, तो ये ईरान से संबंधित है। BCC की 100 महिलाओं की वर्ष की प्रभावशाली शक्तियों में भारतीय सूचीबद्ध है, कितनी है भाई? चार भारत की हैं 100 लोगों में। पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान चलाया? भारत में। अतुल्य भारत टूरिस्ट गाइड वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। अतुल्य भारत टूरिस्ट गाइड वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। हाल ही में भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता वेटलिफ्टिंग में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? पीडी वघेला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने गए। 2023 तक कौन सा देश 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार होगा? भारत होगा 2023 तक दुनिया का सबसे बड़ा 8वां देश। इसके बाद देखिए, फुटबॉल खिलाड़ी ओलिविएर गिरोद किस देश के हैं? फ्रांस के हैं ओलिविएर गिरोद। हाल ही में किन देशों ने संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाया? मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश ने मनाया। राज्यसभा के नए सभापति कौन है? जगदीश धनपड़ है, और यही हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जी। तो ध्यान रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या हो जाते हैं? राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं, जगदीश धनपड़ जी। कौन सा देश ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? सिंगापुर है। ILO एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान कौन है? सिंगापुर है। हाल ही में किस संगठन ने प्रिवेंटिंग इंजरी एंड वायरलेस एंड ओवरव्यू रिपोर्ट प्रकाशित की? WHO ने प्रिवेंटिंग इंजरी एंड वायरलेस एंड ओवरव्यू रिपोर्ट प्रकाशित की। कुंभलगढ़, याद रखिएगा, कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है?
और कौन से G20 शेरपा घूमने जा रहे हैं? उदयपुर, कुंभलगढ़ का जो किला है उदयपुर है, यहाँ पर G20 की जो बैठक हो रही भारत में इस साल, ध्यान रखिएगा, इसके शेरपा जो है वो घूमने जाएंगे कुंभलगढ़ के किले को। ऑक्सफर्ड द्वारा 2022 का नया शब्द कौन सा है? भूत मोड, ठीक है, ये जो भूत मोड है वो ऑक्सफर्ड द्वारा वर्ष 2022 का शब्द है। वर्तमान में रेपो दर का प्रतिशत कितना है? 6.25% रेपो दर है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? संयुक्त अरब अमीरात तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हाल ही में किस संगठन ने भारत की असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस प्रकाशित की है? वो ऑक्सफॉर्म इंडिया ने। ऑक्सफॉर्म इंडिया ने हाल ही में भारत की असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस प्रकाशित की है। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच आईजी स्तर की बैठक किस राज्य में हुई? त्रिपुरा में हुई। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर, परमेश्वरम जो अय्यर है ये सीईओ है नीति आयोग के, पर ये भी चेंज हो गए हैं, याद रखिएगा। अभी फरवरी 2023 में चेंज हो गए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, कौन बने हैं वर्तमान में वो आप लोग याद रखना, ये थे अब नहीं रहे, मतलब सीईओ नहीं रहे। हाल ही में किस संस्थान ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट 2022 जारी करी? UNCCD ने। हाल ही में खबरों में रहा ओपन AI का चैट GPT क्या है? ये चैट बॉट है, ठीक है, ये जो चैट GPT है बहुत चर्चा में है, गूगल जिस तरीके से काम करता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है, ये चैट बॉट है जहाँ पे आप चैट कर सकते हो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी का हब उद्घाटन किया? मेघालय में। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दीना बोलू आर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? पेरू की, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीना बोलू आर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? पेरू की। टाइम पत्रिका 2022 पर्सनल ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ब्लॉक डकमर जेलेंसकी को टाइम पत्रिका 2022 पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया। नवार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एन वी साजी को नावार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? लियोन में है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक है? 87th रैंक है। हमने सार्क चार्टेड दिवस किस दिन मनाया? 8 दिसंबर को हमने सार्क चार्टेड दिवस मनाया। कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। गगन किस देश की नेविगेशन है? भारत की नेविगेशन सिस्टम है। फोर्स की 2022 की दुनिया में 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सीज पर है? उसूला वॉन डेर लेंस, क्या नाम है? उसूला वॉन डेर लेंस जो है वो पहले नंबर पर है। हाल ही में समाचारों में रहा ब्रेन फॉग क्या है? सिंड्रोम है। किस राजवंश ने त्रिपुरा साम्राज्य पर शासन किया? माणिक के राजवंश ने त्रिपुरा पर शासन किया। ब्रू रियांग जनजाति किस राज्य की प्रमुखता में निवास करती? त्रिपुरा में। ब्रू रियांग जनजाति त्रिपुरा में निवास करती, याद रखिएगा। सोशल अल्फा ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता करा? इसरो के साथ समझौता किया। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्मॉल आर्म फायरिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया? ये उदमपुर तो छोड़ दीजिए, देखना पड़ेगा कहाँ है। न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ST का दर्जा देना, ठीक है, ST से संबंधित है ये आयोग जो है। रिपोर्ट के अनुसार चक्रवात मंडोस किस राज्य में टकराया? तमिलनाडु में। मंडोस जो है चक्रवात ही, याद रखिएगा। भारत का नया ग्रैंड मास्टर कौन बना? आदित्य मित्तल बने। स्मार्ट सिटी परियोजना में भारत किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में स्मार्ट सिटी परियोजना भारत में चालू की गई थी। चलिए अब देखो कितनी जल्दी कितनी फास्ट हम लोगों ने 100 ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य जान लिए जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF को एक बार पढ़ लेना, इस वीडियो को एक बार और देख लेना, आपकी पटवारी में आप देखोगे कि इन्हीं में से या इनसे मिलते जुलते आपके क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा समय का अभाव है इसीलिए मैं इसे डिटेल में नहीं समझा पाया, चाहता तो मैं एक एक समझाता पर वो 10 15 20 25 ही क्वेश्चन हो पाते जहाँ पर हम इतने कम समय में वो कर पाते, पर मुझे उम्मीद है कि फिर भी आप लोगों को एक बार पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, याद रखिए सेकेंड वीडियो में जल्दी 100 के अगला जो 100 के जो क्वेश्चन होंगे तो फटाफट उसको लॉन्च कर दूंगा। तो करीब करीब 100 में पहले 150 में पहले करा चुका हूँ, 100 ये हो गए, 150 का या दो वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें आपके रिसेंटली जो 6 मंथ के करंट अफेयर हैं वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, रिसेंटली 6 मंथ का करंट अफेयर इन 500-700 क्वेश्चनों में आपका कवर हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ते रहिए और देखिए जीतेगा वो जो आखिरी तक लड़ता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना यार, विश्वास रखना है अपने ऊपर, विश्वास रखिए कि आप जिस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं ना वो बहुत सही डायरेक्शन है और आप सफलता होगी। स्वाभाविक अगर आपको डर लग रहा है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है उसको थोड़ा सा डर तो लगेगा, नेचुरल है ये। और अगर आप सही वे में पढ़ना है, अपने ऊपर विश्वास है, रिविजन करते रहिए। हमारे सभी सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जो सब्जेक्ट नहीं हुए उन पर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए क्योंकि बहुत कम नंबर के वहाँ पर आने की संभावना, इसलिए वो नहीं हुए। अगर आप चाहोगे उन पर ध्यान दोगे तो आपने जो इतना पढ़ रखा है ना, जैसे आपका मैथ्स पूरा है, रीजनिंग है, एमपीजी के बहुत काफ़ी आपका एमपीजी के हो चुका है, कंप्यूटर पूरा हो गया, मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दो, इसको रिविजन करो कम से कम। रिविजन का मतलब ये नहीं पढ़ने बैठे पूरा, अरे रिविजन का मतलब देखना है बस, अच्छा ये पहले चैप्टर में सर ने बताया था, ठीक है ये बताया था, ये बताएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं ऐसे कर लूँगा, इसको कहते हैं रिविजन। इसको कम से कम 4 से 5 बार रिविजन करिए। अभी 10-12 दिन हैं आपके, 10 दिन हैं, तो इन 10 दिनों का भरपूर इस्तेमाल करिए। टेंशन फ्री होके पढ़िए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, चिल होके खुश होके पढ़िए कि आपने पढ़ाई करी है और आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।